हेलो एवरीवन, हाय, आई एम अजय पूर्ति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत खास होने वाली है, ये आपको पता चल जाएगा आगे धीरे धीरे। आज हमारी हो संस्कृति में एक पूजा हो रही है जिसे हम अपनी हो भाषा में रका बोंगा कहते हैं। आज संडे है और किसी भी संडे को मना सकते हैं, लेकिन वो हेरो प्रूफ के पहले हम आदिवासी लोग हमेशा प्रकृति की पूजा करते आए हैं और आज भी वही आज प्राकृतिक पूजा है। हम पूजा करते हैं पेड़ पहाड़ जंगल हवा पानी आग, तो आज हम पूजा कर रहे हैं पहाड़ों की। आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा उस पहाड़ को भी जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। अभी हम सब बैठे हुए हैं पूजा स्थल में जहाँ पूजा हो रही है। आपको शायद बैकग्राउंड आवाज आ रही होगी। आज आपको बताता हूँ कि हम आज क्या क्या करते हैं। इस पूजा में हर घर से एक एक लड़के आते हैं। इस दिन हर घर से एक लड़के आते हैं और बस एक ही अलाव होते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि शायद इस घर से दो लड़के चले जाएं, वैसा नहीं है। बस एक ही लड़के आते हैं और मैं अपने घर से बस मैं ही आया हूँ और चाचा आ गए हैं मेरे। मतलब अलग अलग अपने अपने घर होते हैं ना, तो अपने अपने घर से बस एक एक आते हैं। तो आज के दिन हम सुबह से मतलब भूखे नहीं रहते, पर कुछ कुछ खाते हैं। जैसे चावल छोड़ के हम लगभग चीज़ खा सकते हैं, जैसे रोटी हो गई, चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन आज के दिन हम खाना नहीं खाते हैं। अभी जो पूजा हो रही है उसके बाद जब खाना पकेगा तब हम उसी खाने को खाते हैं। हम घर से खुद खा के नहीं आते हैं। हाँ, नाश्ता कर सकते हैं रोटी वगैरह, पर खाना नहीं खा के आते हैं। आज के लिए हर घर से पूजा के लिए पूजा की जो सामग्री होती है हमारे हो संस्कृति में, जैसे अरवा चावल सिंदूर हल्दी और एक एक घड़ा हड़ियाँ सब लाते हैं। अभी मैं बैठ के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम वो सामान सब ला रहे थे अपने अपने घर से, और अभी आराम से बैठ के मैं अपना वीडियो कवर कर रहा हूँ। जहाँ पूजा हो रही है वहाँ अभी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बात किया मैं, तो हम बस बाहर बाहर कर सकते हैं वीडियो, जैसे इधर उधर की। पर जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहाँ का वीडियो अलाउ नहीं किया मुझे, तो मैं नहीं बना रहा। बस मैं आपको दिखा दूंगा यहीं से बैठे बैठे कि वो पूजा स्थल कैसे दिख रही है, तो देख लीजिएगा। ये यहाँ जो बैठे हैं वहाँ बस पूजा हो रही है। सामने मैं नहीं जा सकता क्योंकि अलाउ नहीं है वहाँ वीडियो बनाना या फिर फ़ोटो खींचना। हो सके तो मैं आपको बाद में वो फ़ोटोज़ दे दूँगा। अभी फ़िलहाल बस इतना ही था। मेरा गांव चार हिस्से में बटा है, तो अपने अपने हिस्से में अपनी अपनी पूजा होती है, पर वो संडे के दिन ही। जैसे आज संडे है तो आज हम लोग पूजा कर रहे हैं। हम लोग का चार हिस्सा है गांव का, तो आज हम लोग पूजा कर रहे हैं अपने हिस्से की। फिर जो तीन हिस्से हैं वो भी एक हिस्सा पूजा कर रहे हैं। आपको मैं वीडियो दूंगा बाद में। तो अभी दो हिस्सा तो यहाँ पूजा हो रही है, पूजा स्थल भी अलग अलग है। हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं तो एक सबसे दूर में पूजा करते हैं, और बाकी दो कहाँ पूजा कर रहे हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है शायद बाद में यही पूजा करें, तो उतना तो मुझे नहीं पता। पर आज हम लोग के टोला की पूजा हो रही है तो हमें आना पड़ता है हर घर से एक एक। कुछ अगर आप आवाज़ सुन रहे हैं तो शायद
देख लीजिए, उस पेड़ के नीचे पूजा हो रही है और मैं यहाँ बैठा हूँ, सामने से वीडियो नहीं बना सकता। और एक बात है, हर घर से एक मुर्गा भी लाया जाता है हर घर से। उस मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है यहीं पे, यहाँ फिर यहीं पे हम सब पकाते हैं, मुर्गे को काटते हैं, पकाते हैं, यहीं खाना खाते हैं, फिर शाम में घर लौट जाएंगे। तो आज सारा दिन यहीं होगा मेरा और वीडियो बनाता रहूँगा यहीं कहीं, आपको दिखाऊंगा और क्या क्या है। और अगर थोड़ी सी परमिशन मिली तो उस पूजा स्थल की कुछ कुछ फुटेज आपको पता चल जाएगी कि वहाँ कैसे पूजा की गई थी। और एक बात है कि इस पूजा में लड़कियां क्यों नहीं आती? लड़कियां भी आ सकती है पर वो 7 साल में बस एक ही बार आती हैं। वैसा हमारी हो संस्कृति में ऐसे ही नियम है कि लड़कियां भी आ सकती है पर 7 साल में एक बार। और उस दिन घर से एक लड़की बस वही दिन आ सकती है और बस उतने अलाउड है, जैसे अभी हम बस एक ही लड़के आए हैं एक घर से। तो उसी तरह 7 साल बाद, अभी 2020 है, तो वैसे 7 साल मीन्स ये नहीं कि अभी 2027 में, अगले साल 7 साल हो जाएगी और अगले साल यहाँ पे हम बस एक एक लड़के आए हैं घर से। तो अगले साल 2021 में एक लड़की और एक लड़के दोनों आएंगे। और उस दिन आज देखिए यहाँ पे मुर्गियाँ कट रही हैं, बस मुर्गी या फिर मुर्गा बोल सकते हैं। तो उस दिन भेड़ कटते हैं, 2021 में जब लड़कियाँ आएंगी यहाँ तो उस दिन भेड़ कटते हैं। और जब भेड़ की जब बलि चढ़ाई जाती है तो जो भेड़ के सिर होते हैं उन्हें इसी पूजा स्थल जगह दफना दिए जाते हैं और जो शरीर होती है उसे हम काटते हैं, यहीं पकाते हैं, यहीं खा के घर चले जाते हैं। और ये रहा पूजा स्थल जहाँ मैं कुछ देर पहले वीडियो बना रहा था, वो ये रही पूजा स्थल जहाँ पे अभी बलि चढ़ाई जा रही है। सामने मैं नहीं जा सकता क्योंकि अलाउ नहीं है सामने, बस दूर से ही। और ये है, फिलहाल हम यहीं पे पूजा करते हैं। और यहाँ पे छाया में हम बैठे हुए हैं, कुछ देर में सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। अभी पूजा हो रही है तो जो पुजारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, इसके बाद सब काम में लग जाएंगे, मैं भी लग जाऊंगा अपने काम में। और हाँ, तभी मैं जो बात कर रहा था कि अपने अपने टोले की, तो ये है मेरे ही गांव का अपना टोला, दूसरा टोला, यहाँ पे पूजा हो रही है। और जिस पहाड़ की आज पूजा हो रही है जस्ट पीछे देखिए, ये वो पहाड़ है सिंहासन बुरु, जिसे हम मतलब हो में तो वही कहते हैं सिंहासन गुरु। इस पहाड़ की आज पूजा हो रही है। और इस पहाड़ की क्यों पूजा हो रही है मैं आपको बताता हूँ कुछ देर में। हेलो, भी गुड न्यूज़ है, मुझे अलाउ कर दिया गया है फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह लेने की। तो आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये नीम का पेड़ है और यहाँ पूजा स्थल है, यहाँ पूजा हुई है। यहाँ देखिए बलि चढ़ाई गई है मुर्गे मुर्गियों की। और यहाँ जो बलि चढ़ाने के बाद जिन मुर्गियों या फिर मुर्गे को यहाँ बलि चढ़ाने के बाद जब फेंका गया तो उसमें से कुछ कुछ पंख इस तरह तोड़ के साइड में रखा जा रहा है और फिर वहाँ पे काटेंगे, पकाएंगे, सब कुछ वहीं पे होगी। ये रही पूजा स्थल कुछ अलग एंगल से, और ये कुछ पंख लिए गए और उन्हें भी यहाँ चढ़ाया गया है। आप यहाँ गिन सकते हैं कितने मुर्गियाँ की बलि चढ़ाई जा चुकी है। और इस तरह पंख निकाल कर उसे काटने के लिए छोड़ दिया जाएगा।
और यहाँ अब हम सब अपने अपने काम में लग चुके हैं। पूजा में लगभग 2 घंटे तो लग ही गए थे। अरे तो नहीं, फर्स्ट वाला यहाँ पूजा हो चुकी है और अब हम मुर्गियों के बाल हटाएंगे, उन्हें काटेंगे, पकाएंगे और यहीं पिकनिक होगी। और अब मैं फिर से बता दूँ, वो रहे पहाड़, ये रहे, इन्हीं पहाड़ की पूजा हुई है आज। यहाँ अब मुर्गियों के पंख निकाले जा रहे हैं। अब मुझे भी अब काम पे लग जाना है, तो हम मिलते हैं कुछ देर में। अभी जून का महीना है, आज है जून महीना की आखिरी संडे। अब यही पूजा हम लोग की जो है रकाब बोंगा, हम होसे कहते हैं रकाब बोंगा। तो अब अगली पूजा है माघे पर्व के पहले, हमारी सबसे मेन पूजा होती है माघे पर्व, उसके पहले होगी और वो होगी 2021 में। और 2021 में लड़कियां भी शामिल होगी, क्योंकि बता दिया मैंने आपको क्यों शामिल होगी, हर 7 साल में ऐसा नियम है हमारे। और अगर उसमें अगर मैं अवेलेबल रहूँगा गांव में तो ज़रूर बनाऊँगा वीडियो। और अभी पुजारियों ने तो ओके कर दिया मुझे कि आप वीडियो बना सकते हैं, तो पूजा के बाद बना सकते हैं। पूजा करने के वक्त तो नहीं बनाया, क्योंकि उस समय अलाउ नहीं किया था कि पूजा करते वक्त नहीं, पूजा ख़त्म हो गई तो मैंने वीडियो बना दिया। तो अभी अभी और भी कुछ पता चलेगी तो मैं आपको अपडेट, मतलब इस वीडियो के थ्रू आपको मैं बताता जाऊंगा। वीडियो में बने रहिए। और अभी हम सब वही काम कर रहे हैं, मीट काटना है। अभी पंख तो हटाया जा रहा है, पीछे आप देख सकते हैं। आज यही खाना खाना है। अभी लगभग 1 बज रहे होंगे, 1 या फिर हाँ वैसे बज रहे होंगे, 12:30 बज रहे होंगे, क्योंकि पूजा ही यहाँ पे लगभग 2 घंटे हुई थी और हम 10 बजे आसपास आए थे। तो ठीक है, हम मिलते हैं फिर।
से एक चीज़ पता चली है, जो पुजारी होते हैं वो अपना अलग से बनाते हैं, पूरा गांव का जो होता है खाना वो अलग सा, और जो पूजा करते हैं यहाँ जो पूजा हुई थी ये, तो यहाँ जो पुजारी थे वो अपना अलग से बनाते हैं। ये देखिए यहाँ जस्ट मेरे पीछे, यहाँ वो अपना अलग से बनाते हैं, और हम लोग के हिस्से से वो नहीं खाते हैं, वो अपना हिस्सा खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। इस घड़े में हड़ियाँ हैं, रस्सी है, इस टीना में पानी लाया गया है, और ये रहे वो हड़ियाँ निकालने की, अंदर पानी है, और सब अपने अपने काम कर रहे हैं यहाँ पे। पूजा वगैरह हो जाने के बाद अब पूरा माहौल पिकनिक जैसा है, कहीं मुर्गे कट रहे हैं, कहीं नाम चढ़ाया जा रहा है, कहीं चावल पकाया जा रहा है। तो यहाँ की एक और चीज़ जो मुझे पता चली है वो ये है कि यहाँ तो सब वैसे मिल बांट के ही काम करते हैं, और यहाँ जैसे हम ये कहकर नहीं बोलते कि मेरा काम हो गया, अजय तुम ये करो, ABC तुम ये करो, XYZ अब तुम ये करो, ऐसा नहीं है। सब देखते हैं एक दूसरे को, जहाँ मदद होती है वहाँ मदद मिलती है, मदद करते हैं, और बहुत जल्द खाना भी बन गई है, सब तुरंत तुरंत मदद किए हैं। और जो पीछे आप देख रहे हैं वहाँ हड़ियाँ बना रहे हैं, और एक बात है, जैसे यहाँ हो संस्कृति में हम हड़ियाँ पीते हैं, और अभी रिसेंट यहाँ पूजा स्थल में अगर कोई हड़ियाँ पीता है तो ओके, लेकिन अगर हड़ियाँ पीने के बाद जैसे कभी कभी होती है ना कि खाली पेट में उल्टियाँ आ जाती है, क्योंकि हम सुबह से बस कुछ नाश्ता करते हैं, भर पेट तो नहीं खाते बस नाश्ता करते हैं, और जैसे अगर कोई हड़ियाँ पी के अगर वो उल्टियाँ करता है तो उसे यहाँ पे दंडित किया, पनिशमेंट किया जाता है, उसे दंड दिया जाता है, और उस दंड के रूप में उसे घर से हड़ियाँ लाना पड़ता है, और एक मुर्गा या मुर्गी उसे लाना पड़ता है, और उसे यहीं पे फिर से शायद बलि चढ़ाई जाती है। तो इतना मुझे आज पता चला है कि दंडित भी किया जाता है अगर हम कुछ हड़ियाँ वगैरह पी के, अगर हम यहाँ कुछ उल्टियाँ करते हैं या फिर कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहिए वो सब। हम चलाए थे ना बना रहे हैं, यहाँ लड़कियाँ नहीं आती तो हम लड़के ही यहाँ बनाते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि लड़कियाँ क्यों नहीं आती और कब आती हैं। जो जिन मुर्गे और मुर्गियों की जो बलि चढ़ाई गई है, जो उनका सिर होते हैं वो बस पुजारी लोग ही खाते हैं, और वो हमें नहीं बांटा जाता, वैसे ही रीति रिवाज है, उन्हें पुजारी ही खाते हैं, हम नहीं खाते। अब हम बात करते हैं इस वीडियो की सबसे खास बात, सबसे मेन चीज, कि हम ये पूजा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो बताता हूँ अभी, तो सबसे खास चीज़ ये है इस पूजा की, कि हम जो गांव देहात में जैसे कोई आदमी हम बीमार होते हैं, तो एक होता है ना कि
वो बीमारी कुछ कुछ भी हो, जैसे गांव में जो नॉर्मल बीमारी होती है, तो जो भी पुजारी वगैरह आते हैं पूजा के लिए, तो जो उस पहाड़ के जो नदी या फिर पहाड़ में ऐसे देखिए इधर बुरी शक्तियाँ होती है, अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं। तो हम गांव देहात में बीमार होते हैं तो उसका मतलब ये निकाला जाता है कि ज़रूर कुछ बुरी शक्तियों ने इन्हें काबू किया है, या फिर काबू करने की कोशिश की है, या कुछ गलत काम करने के लिए कुछ इस्तेमाल किया जाएगा वगैरह। वो जब बीमार होने लगते हैं तो उन्हें बस पानी, मात्र पानी पिलाने से ही वो ठीक हो जाते हैं। और ये पूजा के बाद अगर कोई बीमार होते हैं गांव में या कहीं भी, तो उसे हल्दी पानी और नॉर्मल पानी पिलाने के बाद वो इंसान ठीक हो जाता है। ऐसा हुआ होगा गांव में, मेरे साथ तो नहीं हुआ है तो मुझे नहीं पता, तो बात करने से तो यही पता चला है कि ऐसा भी होता है। और बात है, और भी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि आज जो पूजा हुई है ये बस एक ही पहाड़ की पूजा नहीं हुई है, या फिर बस एक ही जगह की पूजा नहीं हुई है। ये अभी मैं जहाँ पे हूँ, जिस अपने गांव में हूँ, तो यहाँ से सभी दिशाओं में पहाड़ हैं, जंगल हैं, तो सब पहाड़ की पूजा हुई है। ये जो यहाँ पे जो पूजा स्थल है वहाँ पे पांच पत्थर गाड़े गए हैं, वो पांच पत्थर पांच अलग अलग जंगलों से लाए गए हैं। एक ये जो आपने देखा पीछे मेरे, आपने तभी देखा था, अभी भी दिखा दूंगा, तो उस पहाड़ से भी लाए गए ये पत्थर। फिर हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला का चाईबासा क्षेत्र, वहाँ भी मांगीलाल बुरु है, मतलब मांगीलाल पहाड़, वहाँ से भी पत्थर लाई गई है। और भी टोटल पांच जगह से लाई गई है। यहाँ से तो अभी पहाड़ नहीं दिखेंगे, पर जैसे होगा तो अगर दिखा पाऊँगा तो दिखा पाऊँगा, वरना फिर शायद ना दिखा पाऊँ। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि टोटल पांच पहाड़ों से पत्थर लाए गए हैं, पांच अलग अलग जगहों से, बहुत ही बड़ा क्षेत्र हो जाता है। तो वहाँ इतने बड़े क्षेत्र की पूजा होती है अपने अपने तरीके से। साथ ही साथ गांव में जो देसावली पूजा होती है, हम लोग अपनी भाषा में उसे देसावली पूजा कहते हैं, तो उसकी भी पूजा हो जाती है। अगर मैंने कुछ अलग कहा या फिर और भी कुछ बातें हैं जो शायद मैं नहीं कह पाया, तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप जो जानते हैं वो हमें भी बता दीजिएगा, तो हमें भी पता चलेगी, और आप भी जानते हैं तो शेयर कर दीजिएगा इसे। प्लीज़ कुछ कमेंट कर दीजिएगा, आप भी अगर कुछ जानते हैं इस बारे में, रकब पूंगा के बारे में, रकब पूजा क्यों होती है, कैसे होती है, तो हमें कमेंट करिएगा इस पे, मुझे भी जानना है। मैं भी पूरी तरह से जाना नहीं, और मैं पहली बार आया हूँ, क्योंकि मेरे पापा ही आते थे हर बार, इस बार मैं आया तो मेरी ये पहली बार है, और एक्सपीरियंस हो रहा हूँ धीरे धीरे। ये बड़ा अजीब लगता है ना कि गांव में हम जब बीमार होते हैं तो बिना दवाई के भी हम ठीक हो सकते हैं, मात्र पानी पीने से। इसलिए हम, मतलब हम आदिवासी संस्कृति में यही है कि हम बस पहाड़, पेड़, नदी, पानी, मतलब तो जितने पानी, हवा, सबकी पूजा करते हैं, और हमें इस पे विश्वास रहता है, हम इसी पे जीते हैं। और एक बात है कि जैसे अभी बारिश हुई है तो धान अच्छे से हुई है, इस बार हो रही है, और उम्मीद है कि इस बार भी धान अच्छे से होगी। तो कुछ रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, देवी देवता हम पे कृपा करें, प्रकृति हम पे कृपा करें, ताकि हम भी अच्छे से जिए, और हम हमेशा से, हम आदिवासी, हम ट्राइबल लोग प्रकृति की पूजा करते ही आते हैं। अच्छा लगता है प्रकृति की पूजा करना।
बस थोड़ी सी ये है कि इसमें बलि चढ़ाई जाती है। बलि तो शायद हर पूजा में चढ़ाई जाती है, पर फिर भी एक बात पता चली है कि पहले पूर्वजों के समय बहुत साल पहले पूरा गांव एक साथ रकब पूजा मनाता था। रकबोंगा जिसे हम कहते हैं हो भाषा में, एक साथ मनाया जाता था पहले। पर गांव के हर घर से एक जगह आते थे एक एक लोग। और अभी इसलिए अभी तो बंटवारा हो गई है चार भागों में गांव की, चार अलग अलग टोले की। तो अभी वो रीज़न ये है कि पहले इतनी जनसंख्या नहीं थी गांव की, तो अभी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो ग्रुप कर दिया जाता है। एक साथ इतना नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और अलग अलग टोला मर चुका है तो सब अपने अपने तरीके से अपना अपना समय निकाल के करते हैं। संडे के दिन ही, आज संडे है, और एक टोला उधर मना रहा है। आपको दिखाया था वीडियो, बस इतना ही कुछ है। सब काम करके अब सब हड़ियाँ पी रहे हैं और मुझे भी बुलाया गया है, तो देखता हूँ मैं भी पीता हूँ। आज पूजा है तो पूजा के हिसाब से हम पी लेते हैं, वैसे ज़बरदस्ती नहीं है, पर फिर भी अगर पूजा है तो पूजा के हिसाब से पीने में कोई हर्ज नहीं है। पी ली है थोड़ी सी, और ज़्यादा नहीं पीना मुझे, क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा पी नहीं पाऊँगा। तो बस हल्का सा पी है, और हम मेरी उम्र के लड़के भी कुछ कुछ हल्का फुल्का पिए हैं, ज़्यादा नहीं। आज पूजा है उसके हिसाब से। अभी हड़ियाँ पी के हम फिलहाल पेड़ की छाँव में हैं, थोड़ी सी बैठेंगे, बातें करेंगे, रेस्ट करेंगे। और अभी भी देखिए बुज़ुर्ग अभी भी सब पी रहे हैं, उन्हें तो अभी बहुत लंबी पीनी है, एक दो गिलास से कुछ नहीं होने वाला है। अभी वो पियेंगे लगभग एक दो चार पांच गिलास तो पियेंगे, उन्हें तो आदत है पीने की, मुझे तो आदत नहीं है। आगे जो होगा बने रहिए, आपको और अभी आगे वीडियो दिखाऊंगा। और अभी जो खिचड़ी बनाई गई थी उसे हम खाएंगे सब मिलके, सब एक जगह बैठ के। और मैं भी अपना सामान ले आया जिसमें मुझे खाना है, ये पत्ते बने हैं, मैं इन पे खाऊंगा। और बाकी किस में खाएंगे नहीं पता, कुछ लोग थाली लाए हैं, पत्ते भी लाए हैं, अब देख सकते हैं। मैं भी अपना पत्ता इसमें रख देता हूँ। ये रहा मेरा, मैंने अपना लाया है, और सब अब हम किनारे किनारे बैठ चुके हैं।
हम अब खाना शुरू करते हैं। यहाँ भी धीरे धीरे सब बैठ जाएंगे और अभी सब अपना अपना उठा रहे हैं। तो खाया जाए। देखिए बादल अब अचानक से आना शुरू हो गए हैं और अब हम खाना खाएंगे। अभी ये इधर खाना निकाला जा रहा है। अब खाना निकाल रहे हैं और उधर मीट निकल रही है। इधर कटोरे में मीट निकल रही है। देखिए इधर अभी धूप है और बादल आ रहे हैं। अब तो ले लो तो अब हम सब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए और सब गोल गोल से बैठे हैं। खाना खाएंगे और फिर आगे जो होगा देखा जाएगा, बताऊंगा आपको। तो ये रही मेरी हम सब इधर बैठ के खा रहे हैं और जो पुजारी हैं वो अपना अलग में खा रहे हैं। खाना खा के लगभग आधा घंटा हो चुके हैं और अब सब कुछ हो चुकी है। अब हम वापस अपने अपने घर जाने वाले हैं। तो अभी एक चीज़ हुई थी जहाँ पे पूजा हुई थी, पूजा स्थल, तो वहाँ जितने पुजारी थे सब बैठे और हम लोग उसके पीछे गए और हम लोग पीछे जाके अपनी देवी देवताओं के लिए हम सीधे सीधे लेट करके बस उसे याद करते हैं, अपने पूर्वजों को, अपने देवी देवताओं को। और हमें ऊपर से पानी छीट करके आशीर्वाद दिया जाता है पुजारियों द्वारा। हमने वैसा किया पर वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि हम सब लेटे हुए थे और वहाँ वीडियो नहीं बन पाया। कोई बात नहीं। और एक चीज़ है, अभी हम जो खाना खाए हैं उसे हम अगर बच जाती है खाना तो उसे हम यहीं फेंक देते हैं, घर नहीं ले जाते हैं। जैसे कुछ भी चावल बच गए, मीट बच गया, पानी, हड़ियाँ, कुछ भी अगर बच जाती है तो उसे हम घर नहीं ले जाते, यहीं छोड़ जाते हैं, यहीं रख जाते हैं। तो अभी सब रेडी हैं, हम अब अपने अपने घर जाएंगे और देखते हैं अगर कुछ बात होती है तो बात करेंगे यहीं पे। तो अब हम अपने अपने घर को जा रहे हैं। आज की पूजा समाप्त हुई और सबसे आगे आगे हैं जारी लोग और पीछे पीछे हम सब। तो कमेंट जरूर करिएगा कि ये आप भी अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट करिएगा, हमें बताइए, हमें सजेस्ट करिए कि और क्या क्या हो सकता था और मैंने क्या क्या कहा या फिर और क्या क्या नहीं कहा जो हो सकती थी, जो मैं बोल सकता था। तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपने अपने घर। तो वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
टाटा बाय बाय।